वेलकम टू फौजी बाबा फार्मिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। भाइयों एवं बहनों, आपको नमस्कार। फौजी बाबा फार्मिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने देश में महामारी का रूप धारण कर लिया है कोरोना वायरस ने। ये कोरोना वायरस ऐसे तो पूरे विश्व को तबाही के कगार पर ले गया है, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि भारत अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार समय समय पर आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप लॉकडाउन में रहें, घर के अंदर रहें। इसके बाद भी मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप इस लॉकडाउन का पालन करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए आप इसका दृढ़ संकल्प करके और कठोरता से इसका पालन करें और अपने को, अपने परिवार को सुरक्षा में रखें, सुरक्षा प्रदान करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा और तब भारत विश्व में महान बन पाएगा। इसे बीमारी को आप हल्के में ना लें। जैसा कि आप देख रहे हैं इटली में, स्पेन में, अमेरिका में, जहां इतना ज़्यादा चिकित्सा का क्षेत्र में अग्रगणी है वो लोग देश, फिर भी वो तबाही के कगार पर पहुंच चुके हैं। हमारा देश आपको पता है एक कृषि प्रधान देश है, एक विकसित देश, विकासशील देश है। यहाँ भी पूरा उस तरह का चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं है जो कि हम उनके बराबरी कर सकते हैं। तो इसमें बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है और इससे बचने के लिए हम लोग अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो घर से बाहर की तरफ निकलें और फटाफट अपना काम करके वापस घर आ जाएं। और ध्यान रहे कि बाहर जाने पर जो 1 मीटर से 1.5 मीटर का दूरी रखा गया है उसको आप मेंटेन करें और दूसरे से मिलने जुलने से परहेज करें। क्या पता कौन आदमी कितना इससे इफ़ेक्टिव हो। और जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश विकास कर पाएगा। यह एक अलग बात है कि घर में अचानक 21 दिन का लॉकडाउन में आप किस तरह से क्रियाकलाप को अंजाम देंगे, उस पर मैं एक छोटा सा सुझाव के तौर पर आपसे बताऊंगा कि आप इस तरह से अपना दिनचर्या को रखें और आप अपना समय को बखूबी इंजॉय करें घर पर और इसको पूरा लाभ लें। और करना क्या है आपको, सुबह उठ के आप नित्य के तरह क्रियाक्रम को निवृत्त हो जाएं और सुबह आधा घंटा 45 मिनट अपने घर पे, घर के अंदर हो या छत पर हो या जहाँ पर आप देखते हैं कि घर से दूर और घर के अंदर छत पे या बालकनी में या आसपास जो आपके कैंपस है जहाँ पर लोग नहीं है, सिर्फ आप हों, आपके परिवार के लोग हों, आपस में दूरी बनाकर बैठें और योगासन करें, योगा करें, कुछ एक्सरसाइज करें। अपने साथ बच्चों को भी शामिल करें, परिवार को भी शामिल करें और उसे हंसी खुशी में खेल के रूप में लेते हुए समय को व्यतीत करें।
उसके बाद आप परिवार के साथ घर में घरेलू काम में भी आपको मौका मिला है सहयोग करने में, सहयोग कीजिए। जैसे आप सफाई का काम में थोड़ा मदद बता सकते हैं, हो सके तो कुछ नया खाने पीने का सामान बनाइए, किचन में आप सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, बच्चों को भी उसमें बनाने का मौका दीजिए, सीखने का मौका दीजिए घर में बच्चों को। कुछ खाना खराब होगा तो कोई बात नहीं, घर में आप लोग ही खाना है तो बच्चा को भी सीखने में अच्छा लगेगा, वो एंजॉय करेंगे। इस लॉकडाउन को खेल खेल में समय समय पर परिवर्तित कर देंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि एक लॉकडाउन कैसे निकल गया। दोपहर के टाइम पर आप फिर पूजा पाठ करके खाना पीना खाइए, और खाना पीना खा के आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो आराम कीजिए, साथ ही बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए बैठाइए, और इस लॉकडाउन में बच्चे को गाइड कीजिए, कुछ सब्जेक्ट पर लिखने के लिए दीजिए, उनको हैंडराइटिंग लिखने के लिए दीजिए, और उनको चेक कीजिए, इससे कि बच्चा भी पढ़ेंगे और आपका भी समय पास होगा और अच्छा माहौल पैदा होगा। शाम के टाइम में थोड़ा टीवी खोलिए, टीवी पर बहुत सा समाचार सुनिए, जिससे कि आप अपडेट भी रहिएगा। कुछ ऐसा आजकल सरकार ने नया सीरियल, जो बहुत पुराना सीरियल था जो बहुत दिन के बाद आया है, रामायण, उसको देखिए, उस रामायण को देखिए। साथ ही शाम को टाइम पर आपको पता है कि हमारे यहाँ घरों में शाम को सिलौती दिखाया जाता है, उस समय घर के पूरे सदस्य के साथ आरती। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन से मन का स्वामी, दुख मिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। वंदना कीजिए, एक अच्छा माहौल होगा, पॉजिटिव माहौल होगा, और भयभीत मत होइए, डरिए मत इस बीमारी से, और खुश रहिए, और इसको अनुशासन को बनाए हुए रखते हुए लॉकडाउन को पालन कीजिए, और स्वस्थ रहिए, और समय को सदुपयोग कीजिए, पॉजिटिव लीजिए, बच्चों को क्रिएटिव बनाइए, और इसका लाभ उठाइए। और जब ये सब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फौजी बाबा फार्मिंग के तरफ से जो ट्रेनिंग का आयोजन का घोषणा किया गया है, उसका नया डेट आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।